क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका के युवा क्रिकेटरों से सजी टीम से घर में T20 सीरीज 3-0 से हारने पर सरफराज अहमद की खूब निंदा हो रही थी। उन्हें एक झटके से ही तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी उनके प्रति रवैया नम रखे हुए है। सरफराज के लिए निंदा के बीच खुशखबरी की बात ये है कि उन्हें PCB ने केंद्रीय अनुबंध के ए वर्ग में ही रखा है। ये इसलिए क्योंकि वह खेल के तीनों प्रारूपों में चयन के लिए उपलब्ध है। सरफराज को निचले स्तर पर अनुबंध देने के PCB के फैसले से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए PCB के प्रवक्ता ने कहा कि सरफराज अगले साल जुलाई तक केंद्रीय अनुबंध के शीर्ष स्तर पर रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि उसके केंद्रीय अनुबंध में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि वो तीनों प्रारूपों में चयन के लिए उपलब्ध है। पाकिस्तान के नए T20 कप्तान बाबर आजम और लेग स्पिनर यासिर शाह भी ए वर्ग में शामिल है। बोर्ड ने साथ ही सरफराज को खेल के तीनों प्रारूपों की कप्तानी हटाने की घोषणा के दौरान जारी वीडियो के लिए भी माफी मांगी है। बोर्ड की डिजिटल मीडिया टीम ने अपने आधिकारिक पेज पर संक्षिप्त वीडियो डाला था जिसमें सरफराज को एक टीम अधिकारी बाहर जाने का इशारा कर रहा है और कुछ खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि उसने ये वीडियो वर्ल्ड कप T20 की तैयारियों को लेकर जारी करने का फैसला किया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसी समय कप्तान बदलने की खबर भी आई। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।